अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? भावल। भावल, मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने 100 डेज का प्लान दिया, कोई वादा पूरा हुआ है अभी तक? वादा अभी तक तो लगा हुआ, कोशिश कर रहे हैं। वादा पूरा हुआ नहीं, वादा अभी ये नहीं, एक दो महीने में जितना जब मुल्क में है वो तो अभी नहीं ना ठीक हो सकता, एक दो माह में। अभी तक बेहतर नहीं हुई? अभी तक बेहतर महंगाई हुई है, महंगाई तो हुई है। तो वो खान साहब ने कहा था महंगाई नहीं करूंगा, एक दो उसके आपने नहीं कहा कि मुश्किल वक्त आएगा मुल्क पे, लेकिन जो है ना आपने साथ रहना है और जो है वो फॉलो करना है, तो आप साथ तो भी हम साथ हैं उनके इंशाल्लाह। आपको लगता है इमरान खान का जो वादा था 100 डेज प्लान का कि मैं मुल्क में बहुत सी चीजें तब्दील कर दूंगा, कोई वादा पूरा हुआ? हाँ, ऐसा ऐसे ही होगा ना, लाइक टाइम लगता है हर चीज को कवर होने में, लाइक 70 ईयर्स से हमारा लाइक इकोनॉमी बहुत लाइक डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, तो 100 डेज में तो ऑब्वियसली हर कोई प्लान देगा स्टार्टिंग में कि कैसे कैसे होना चाहिए, लाइक रोटी महंगी होगी, अनाज महंगा होगा, वो तो भी होगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इकोनॉमी एकदम रेज ऊपर होगी, लाइक महंगाई होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक डाउन होंगे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजी। महंगाई हुई है? जी बिल्कुल। कितनी महंगाई हुई है? बहुत ज्यादा। जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए? कोई भी नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं। पहले से ही हम भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं जी। आज सुबह से मैं काम पे निकला हूँ लेकिन अब तक काम मुझे नहीं मिला। काम नहीं मिला जी बिल्कुल। पहले मिल जाता था काम? पहले मिल जाता था, ये पार्किंग में माशाल्लाह से हमारी विजेस लग जाती थी, हम अच्छे थे। हमने प्रोग्राम किया आवाम से महंगाई पे, खासतौर पे बात की, जब बजट आया, बजट के बाद जो महंगाई का एक तूफान आया, उसके बाद आवाम की क्या राय थी, पेट्रोल जब महंगा किया गया, महंगाई पे आवाम क्या कहती है, हमने आवाम से राय लेने की कोशिश की थी, आवाम का क्या कहना था ये देखिएगा। अली भाई, महंगाई हुई है अच्छी खासी, अब देख लें, पेट्रोल भी अब 5-6 रुपये महंगा हो गया है, अब देखें कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, डॉलर भी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो किस तरफ जा रहे हैं मुल्क को लेके, समझ नहीं कुछ आ रही। तब्दीली ये नहीं है, तब्दीली यही है कि आप लोगों को रिलीफ दें, और जो तब्दीली का नारा इमरान खान साहब लेके आए थे उसी को वो पूरा करें। आपने किसको वोट दिया था? इमरान खान साहब। इमरान खान को वोट दिया था, तो मायूस हो गए वोट देके? नहीं, मायूस नहीं हुए। ये तो कीमतें हैं सब्जी की और फलों की, इनमें इजाफा हुआ है, महंगाई हुई है? हुई है, मटर तो बहुत काफी महंगे हैं, महंगे हो गए। हाँ। तो मुश्किल हो गया गुजारा करना? जाहिर है मुश्किल ही है गरीब बंदे के लिए। तो किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? ये हुकूमत ही जिम्मेदार है। तब्दीली यानी आ गई है? हाँ जी बिल्कुल, देखे आपके सामने ही है, जो भी है बाजार बिल्कुल सन्नाटे पड़े हैं। किसको जिम्मेदार समझते हैं? हम नवाज शरीफ अच्छा था। अच्छा था, अच्छा था नवाज शरीफ। इमरान खान अच्छा नहीं है? नहीं, इमरान खान अच्छा नहीं है। वो कह रहा थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो भाई, मैं बेहतर कर दूंगा। क्या बेहतर कर देगा, मर नफ लग रहे हैं, अगर बेहतर कर देगा। महंगाई बहुत ज्यादा उसने कर दी है, आते साथ ही उसने यही काम किया है। किसी गरीबों को कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। हाँ। जो खसारा पिछली हुकूमत ने किया है उसका अफजाला तो हमें आवाम को उठाना पड़ेगा। ये है क्या, उनको मौका देना चाहिए इमरान खान को, अभी साल दो साल में इंशाल्लाह हुकूमत जो है, मुझे पूरी उम्मीद है इमरान खान जो है का जो तूफान आ रहा है इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है जी। हमें चाहिए कि हम इमरान खान का साथ दें। बरादरी हमारी रो रही है, पूरी दुनिया रो रही है, रक्षे वाले रो रहे हैं, वो कह रहे हैं उतना हम कमाते नहीं, वो कोई कह रहा है मैं 6,000 बिल देता हूँ, कोई कहता है मैं 8,000 बिल देता हूँ। बिल 2,000 रुपया है गैस से, तो भुखे मन मुंडे अंदर वेले बैठे हैं, तो महंगाई और की है ना, को मुंडे नौकरियां ने भुखे मरते पे ने। किसके लिए मांग रहे हैं? हमारे लिए। ये नवाज शरीफ हमें इस जगह पे लेके आया फकीरों के हाल में। महंगाई पे आपने अवामी राय सुनी, हमने सेहत पर अवामी राय लेने की कोशिश की कि सेहत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये कहा कि सेहत हमारा सबसे बड़ा बुनियादी वो मसला है जिसको हल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एमरजेंसी नाफिज करेगी। सेहत की सूरत हाल क्या है, क्या इस वक्त अद्वियात मिल रही है लोगों को अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, आवाम क्या कहती है, हमने अवामी राय लेने की कोशिश की थी, क्या आवाम ने कहा ये जानिएगा। दवाई मिलती है यहाँ? नहीं मिलती, कोई दवाई नहीं मिलती, नहीं मिलती, कोई दवाई नहीं मिलती, कोई नहीं मिलती। ये तो फिर किसकी बनी हुई है डिस्पेंसरी? बंद की थी और सारा कुछ बंद हो गया, सब बंद हो गया, सब बंद हो, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। आप दवाई मिलती है यहाँ? कोई भी नहीं मिलती, कोई भी बीमारी हो पैराडोल पहुँचो 3 दिन खाओ, वो भी 2-2 दिन के बाद मिलते हैं, कल लाना परसों आना ऐसे करते हैं। और जो दवाई मिलती है उसके पैसे लेते हैं या फ्री है? फ्री तो फ्री है लेकिन मिले तो नहीं रही है, कुछ कुछ है नहीं, अब नहीं मिलती, अब कुछ भी नहीं मिलता यहाँ से, पहले मिलती तकरीबन 2 साल हो गए, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिल रहा, पहले हर चीज मिलती थी तकरीबन 2 साल पहले कोई चीज नहीं मिल रही, जब कुछ मिलता था वो भी यहाँ पर मिल रही। दवाई मिलती नहीं, 2 साल हो गए नहीं मिलती, कोई दवाई नहीं मिलती है।
ناظرین صحت کی بات آپ نے جانی، مہنگائی کی بات آپ نے جانی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تیسرا وعدہ تھا تعلیم۔ عمران خان نے اپوزیشن میں رہ کے جتنے جلسے کیے پورے پاکستان میں، انہوں نے تعلیم پہ بہت زیادہ فوکس کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا تو ملک میں تعلیم کو پرائیورٹی دی جائے گی، ملک میں ایک نصاب لایا جائے گا، عوام کو جو غریب آدمی ہے اس کی دہلیز سے مفت تعلیم دی جائے گی۔ اس وقت پہلے 100 روز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں تعلیم میں سرکاری اسکولوں میں ہم گئے، سرکاری اسکولوں کا وزٹ کیا۔ ریڈ کرے اس کو once شروع کریں، and یہ کیا لکھتا ہے؟ جینٹس دوبارہ سوچو کیا لکھا ہوا ہے؟ جینٹس لکھا ہوا ہے، اسپیلنگ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ GINT یہ جینس بنتا ہے۔ آپ کا مین سبجیکٹ انگلش نہیں ہے، آپ کا مین سبجیکٹ میتھس ہے؟ ہاں سائنس اور میتھ۔ سائنس اور بی ایڈ میں نے میتھ اور سائنس، میتھ اور سائنس رکھے۔ سر پھر آپ انگلش بھی پڑھا رہے ہیں؟ میں سائنس بھی پڑھا رہا ہوں، لیکن اس کلاس میں میرا انگلش کا پیریڈ ہے، چونکہ پیریڈ ہے نا، مطلب ٹائم ٹو ٹائم ڈفر ہے۔ آپ کی لگائی ہوگی، ڈیوٹی لگائی ہوگی، کیوں لگائی انگلش؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹیچر نہیں ہے کیا؟ ٹیچر نہیں ہے اویلیبل یہاں اس وقت، کلاسیں اندر خالی پڑی ہوئی ہیں، پنکھے اس وقت یہاں اترے ہوئے ہیں، بینچز یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی اسکول یہاں پہ چل نہیں رہا۔ سرکاری اسکول ہے ہمارا، تو سرکار کا پیسہ اس وقت استعمال ہو رہا ہے۔ بلکہ یہ چاہوں گا میں ذرا یہ کمرہ ضرور آپ کو دکھائیں کہ اس سے کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ دس از، یہ کلاس روم ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنی ہے، یہاں پہ لوگوں نے پڑھنا ہے، یہاں پہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے اسکول سرکاری بنایا گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، 1 سینٹی میٹر کتنے ملی میٹر ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر کتنے ملی میٹر ہوتا ہے؟ نہیں پتا، آپ کو پتا ہے؟ 100 سینٹی میٹر 1 سینٹی میٹر کتنے ملی میٹر کے برابر ہوتا ہے؟ یہ بتاؤ۔ ایک عام آدمی کو سر اس سے ابھی سیروکار نہیں رہا کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، یا تحریک انصاف کی حکومت ہو۔ عام غریب آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جس کی بھی حکومت ہو غریب پہ سرائے۔ تو سر 100 ڈیز تو مکمل ہو گئے، اب 5 سال ہے۔ غریب آج نہیں پس رہا، غریب بہت پہلے کا پس رہا ہے۔ آج عمران آ گیا تو غریب پس رہا ہے؟ نو۔ اور یہ جو یو ٹرن کی بات کرتے ہیں، عمران نے جو، دیکھو میں کسی کا وہ لائن نہیں لینے والا ہوں، میرے سب دوست ہیں، عمران نے جو اگزامپل دیا ہے 24 جون 1812، ایک فرینچ انویژن تھی، نیپولین کی گرینڈ آرمی جا رہی تھی، اس نے رشیا پہ حملہ کیا تھا، رشیا میں اس کو کہتے تھے پیٹریوٹک وار۔ وہ آگے جاتے گئے، یہ پیچھے ہٹتے گئے، جلاتے گئے اپنی چیزیں، اور اگر وہ یو ٹرن مار جاتا نیپولین تو شاید اگلے دن بچ کے شاید حکومت پہ اپنی بچا دیتا بعد میں۔ ہٹلر نے یہی چیز کی 1941 کے اندر 22 جون کو، اور وہ اس نے انویژن تھی، ایکسس یہ انویژن کیا تھا رشیا کا، رشیا کی انویژن کی، رشینز نے یہی چیز کی آگے، وہ تو پولینڈ جا رہا تھا وہ، اور اس نے کہا جی ان کو ہم پکڑیں گے، غلام بنائیں گے، اور ہماری ایک نئی ریس آگے جائے گی۔ وہ اتنا اس میں پھنس گیا، وہ دوسرے فرنٹ سے اپنی وار ہار گیا۔ تو اگر یو ٹرن مار جاتا تو کر جاتا۔ تو عمران کا کہنے کا مقصد یہ، ہسٹوریکلی بہت اسٹرانگ اس نے دیے، لیکن اس کو آپ نے مذاق بنا لیا، اس کا بالکل مذاق بنا لیا۔ لوکل گورنمنٹ پنجاب کی موجودہ طور پہ فریز کر دی گئی ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اور لوکل گورنمنٹ کا نیا نظام بھی نہیں آیا۔ دیکھیں، جو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو وزیر اعظم بنائے ہیں، مجھے جو اب ان کے ہی سیاستدان بتاتے ہیں کہ ہی از پرہیپس ناٹ ایز کمپٹنٹ ایز سم بڈی جس کا کوئی ایکسپیرئنس ہو۔ ایک بیچارہ ان نون کموڈیٹی آپ نے اس کو بٹھا کے پنجاب کو، دا بگیسٹ یو نو پروونس ان دا کنٹری، جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو رن کرتا ہے، آپ نے اس کو بٹھا دیا۔ ان چیزوں، یہ ہماری، ہم پرسنالٹیز پہ چل رہے ہیں، ناٹ آن نیشنالٹیز۔ آپ نیشنل ایک چیز کے اس پہ پلیٹفارم پہ چلو گے، یہ ملک آگے جائے گا۔ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رہو گے، یہ ملک کبھی بھی آگے نہیں جائے گا۔ اور آپ مجھے بار بار کوشچن کریں گے، یا میں آپ کو کروں گا کوشچن، جی عوام پس رہی ہے؟ وہ عوام تو پسے گی، کیونکہ عوام کی تو بات ہم کر ہی نہیں رہے۔ اسمبلی کے اندر وہ جو گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ اس وقت اسٹیٹ آف شاک میں، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ شاک میں ہے کہ ہم حکومت میں آ گئے۔
जो अपोजिशन है वो शौक में सर, अब तो एनिमल ग्रीड खत्म हो गया ना सर। नहीं जी वो खत्म हो गया, अभी तक वो शौक खत्म नहीं हो रहा, वो शौक खत्म नहीं हो रहा। और जो पहले इन दोनों में से मैं कहता हूँ शौक से बाहर आ गया वही मुल्क को रन करेगा, वरना ये मुल्क इसी तरह चलता जाएगा। आप 100 डेज को कैसे रेट करेंगे और उसी के बेस करते हुए फ्यूचर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का होगा अगले 5 साल में हुकूमत करनी है वो कैसे देख रहे हैं? अगर मैं 70 साल को 100 डेज के साथ कंपेयर करूं दैट विल बी अ जोक। 70 साल में वो नहीं हुआ जो ये 100 डेज में कर देंगे या कोई और आके 100 डेज में करेगा। 100 डेज इज जस्ट वो, इसको एक अंग्रेजी में लफ्ज है इसको मैक्सिम कहते हैं, इट्स अ सेइंग, इट डजंट रियली मैटर। ये तो और जी आप देखो 100 दिनों के अंदर ही कर दूंगा, ये कोई नहीं होता 100 डेज। ये अमेरिकनों ने शुरू किया था, हम भी उसके पीछे पड़ गए, लेकिन उनकी स्टेडी इकोनॉमीज हैं, हालांकि वहां भी बड़ी फ्लॉज है, लेकिन एट द सेम टाइम उन इकोनॉमीज को अपनी इकोनॉमी के साथ और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप नहीं कंपेयर कर सकते। हुकूमत की डायरेक्शन को देखने के लिए तो 100 डेज इंपॉर्टेंस रखते हैं। नहीं जी देखो आप हुकूमत किस तरफ जा रही है, देखो हुकूमत ने वहीं जाना जो ये अपना ये मैनिफेस्टो लेके आए हुए, ठीक है ना, इन्होंने इंसाफ का मैनिफेस्टो किया, ये इंसाफ पे चल रहे हैं, दैट इज द प्राइमरी एम, पार्टी का नाम भी इंसाफ ही है। लेकिन पीटीआई की जुडिशियल रिफॉर्म्स इन्होंने हाई कोर्ट के साथ मिलकर बनाने थे, पहले 100 डेज प्लान वो भी लिखा हुआ है, देखो ये, लेकिन वो भी कुछ प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड अभी अभी, अभी, अभी अभी कुछ नहीं होगा इस वक्त। राइट नाउ जैसे मैंने पहले कहा है हमारा मुल्क आईसीयू में, ये आईसीयू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं डाला, ये आईसीयू में पुरानी हुकूमतों ने डाला है। मैं नून को भी नहीं कहूंगा कि उन्होंने डाला, मैं कहूंगा उससे पहले हुकूमत, फिर उससे पहले हुकूमत। लेकिन विजय साहब फिर वो आम आदमी की हम बात इसलिए बार बार करते हैं कि वो लोग कहते हैं जब असद उमर साहब अपोजिशन में थे तो असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहते थे कि गैस की कीमतें बढ़ाई है ना इंसाफी की गई है, बिजली बढ़ाई है ना इंसाफी की गई है, पेट्रोल बढ़ाया ना इंसाफी की गई है। अब वही चीज़ वो खुद करें, क्या असद उमर के पास बैकअप प्लान नहीं था या पंजाब की जो टीम बनाई है उस्मान बुज़दार साहब चंद रोज पहले तरीके साहब ज्वाइन करते इलेक्शन से उनको सीएम बना दिया जाता है, क्या प्लान नहीं था, किस तरीके से गवर्नमेंट करनी थी, क्या आइडिया नहीं था, जिस तरह आपने कहा कि शौक में है, तो ये शौक के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं हमें। मैं आपको बताऊं ये आपने जो सवाल किया है ना, असद उमर को कभी पता नहीं था कि ये हुकूमत में आएंगे, ठीक है ना, ये तो बाकी अपोजिशन कहती है ना इनको लाया गया है, इनको कोई पता नहीं था कि हुकूमत में आएंगे, ये तो लोगों के वोट से आए। अगर इनको पता होता ना कि ये आएंगे तो शायद ये कुछ काम करके आते। देखो मुस्लिम लीग नून उसने हुकूमत की हुई है ना 3 दफा की, ठीक है यार, इतने गए गुजरे तो नहीं थे ना, आपको मोटरवेज दिए हैं, आपको काफी प्रोजेक्ट्स दिए हैं, बना के दिए हैं, ठीक है इसमें इरेगुलरिटीज भी हुई हैं, बट एट द सेम टाइम एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया है ना, आप उसको बेहतर कर लो। यहाँ हम ये करते हैं, मैं लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ हम करते हैं मैंने ये किया जी हाँ, मैंने ये किया, ओ भाई टू हेल्प विद यू, नो मैना शैना, हमने ये किया। ऑपोजिशन ने और गवर्नमेंट मिलके भी हुकूमतें चला लेते हैं, लेकिन सर वो जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल फॉर पीपल, तो वो यहाँ तो नजर नहीं आ रहा। नहीं यहाँ है, बिल्कुल है, यहाँ है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, OFF ऑफ द पीपल एंड गवर्नमेंट बाय द पीपल, BUY नॉट बाय, बाय द पीपल, और फॉर नहीं है, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल। हाँ तो यहाँ इस तरह की है, तो अब हमें चाहिए कि लुक लेट्स गेट ऑन टू द ट्रैक, आपके पास एक अच्छा एक आपके लोग एक मैंडेट एक आया, पहले तो मैंडेट आता था अब मैंडेट आया, इस मैंडेट को इस्तेमाल करो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन के लिए कर रहा हूँ, खुदा के लिए वो तनकीद करो जिसमें आइंदा आपको फ़ायदा पहुँचे। अगर आप तनकीद बराए तनकीद करोगे, अगर कल आप पावर में आते हो तो फिर आप भी इसी तरह पिसोगे। सर ये आखिरी साल मुझे ये बता दीजिएगा कि 5 साल तरीके साहब ने हुकूमत करनी है, हुक्मरान जमात तो बन चुके हैं, कितना अरसा लगेगा आपके इस तजर्बे के मुताबिक कि वो इस शौक की स्टेट से बाहर निकले और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड पॉलिसी से काम करना शुरू करें? इमरान को चाहिए, देखो अकबर द ग्रेट जिसको हम कहते हैं ग्रेट, अकबर कौन था, एक अनपढ़ आदमी था, वो कोई ग्रेजुएट शेजुएट नहीं था, अनपढ़ आदमी, लेकिन उसने 9 रत्न रखे हुए थे, उसने इंटेलिजेंट यू नो कालिदास और पता नहीं क्या किस किस्म के लोग उसने रखे हुए थे जो उसको एडवाइस करते थे। इमरान शुड हैव इंटेलिजेंट एडवाइजर्स, और बाकी काम इमरान जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक मेरे ख्याल में नहीं है, अभी इनके पास बहुत है, इसने अच्छे लोग रखने शुरू किए हैं एंड आई एम श्योर ही विल डू इट। देखो मैं अगर अंधा हो जाऊँ ना और अंधेपन में मैं कहूँ यार मुझे आप बताओ कि कौन आपका लीडर ईमानदार है, मैं इमरान खान का नाम लूँगा। मैं इस शख्स को बचपन से जानता हूँ, ये उस वक्त भी उस तरह ही था, एक स्ट्रेट आदमी, अपराइट मैन, और आज भी वही है। एंड
ये बेसिकली एक शाय आदमी है, ये भी बता दी, इज ए वेरी शाय पर्सन बट इज एन ऑनेस्ट मैन. मैंने पैसे देखे, मैं इस तरह कैश फिर रहा था, खुदा की कसम एक एक पाउंड, एक एक पाउंड यू नो मिसअप्रोप्रिएट नहीं हुआ कैंसर इसके हॉस्पिटल के अंदर. आई हैव सीन इट, मैं हमने तो काम किया है. लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस कि इमरान इफ ही हैज टू बी सक्सेसफुल फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान ही हैज टू हैव अ गुड टीम. ये नहीं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, एब्सोल्युटली ऑनेस्टी. ये आपने वो नहीं लगाने, वो क्रोनीज हो गए या वो लैकीज हो गए, उनको ना रखो, क्योंकि उनको रखा तो फिर उंगलियां आपकी तरफ ही उठेंगी और सवाल आपसे भी होंगे. देखो ना, आज आज मैं आज आपको ब्रेकिंग दे देता हूँ यार. ये डीसी गुजरांवाला, इसने इंक्रोचमेंट खत्म कराई, पीएमएलएन की, पीटीआई की कुछ कराने की कोशिश की, अगले ने उसकी ट्रांसफर कर दी. अगर ये चीज रही, ये मैं आज आपको फर्स्ट टाइम ये टेलीविजन पे आ रहा है, अब ये थोड़ी देर की बात है कि गुजरांवाला के अंदर ये चीज हुआ है. तो इफ इमरान हैज टू टेक नोटिस ऑफ दीज थिंग्स. पीको के अंदर ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज आज दे देता हूँ. ये इतनी बड़ी न्यूज है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, उसका एमडी और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आप पता क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तनख्वाहें और बैंक अकाउंट्स बंद करा दिए पीको के. कैन यू बिलीव इट, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने कहा एमडी को निकल जाओ. और एमडी अपॉइंटी किसका है, गवर्नमेंट का अपॉइंटी है. ओ यार, अगर एमडी ये आरिफ हबीब और ये दूसरे जो लोग हैं ये उसके बोर्ड में बैठे हुए हैं. और बता दूं क्यों, क्योंकि पीको के लैंड के साथ 2000 कनाल पीको का है, खाली पड़ा हुआ है सिर्फ उस पर कब्जा करने के लिए. ये भी बता दे दो, कर लो. ये इतनी बड़ी न्यूज है, अगर इस पे सो मोटो नहीं होता है, खुदा की कसम किस चीज पे होगा सर. फिर नैब, मुझे पता है ये जो डीजी नैब है सलीम शहजाद, इन्होंने ये केस टेक अप कर लिया है. एंड ही इज एन ऑनेस्ट मैन सलीम शहजाद. इसके खिलाफ भी बेचारे के बड़े उन्होंने गन चंद उठाने की कोशिश की है. ऑनेस्ट आदमी, स्ट्रेट आदमी, लेकिन जो स्ट्रेट और ऑनेस्ट आदमी उसके खिलाफ आप बदनामी करते रहोगे. सर वो जो इदारों को डीपॉलिटिसाइज करने की बात हुई, जो आप अभी दो खबरें दे रहे हैं, डीपॉलिटिसाइज तो फिर इदारे नहीं हो रहे ना. देख लो, अब ये देख लो हाल क्या हो रहा है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पीको के, वो उन्होंने तनख्वाहें रोक दी हैं, उन्होंने बैंक अकाउंट्स बंद करा दिए. कैन यू डू इट, सच एन इलीगल वर्क, सच एन इलीगल. वो तो स्टे ऑर्डर करके ले आया है एमडी, लेकिन सच एन इलीगल वर्क. और इसी पे खान साहब को चाहिए कि अपना फोकस करें, अपने इदारे बेहतर करें. बहुत शुक्रिया पीजे मीसा नाजिम साहब मौजूद थे, इनकी मायराना राय में. इमरान खान साहब को बेहतर काम करने के लिए अपने इदारे मजबूत करने चाहिए और अपनी टीम को मजीद मजबूत करना चाहिए. और ऑनेस्ट लोग अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन और वजीर पाकिस्तान इमरान खान के साथ मौजूद होंगे तो मजीद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा. We'll be right back.